नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि इतिहास से संबंधित है। तो इतिहास के 50 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहां पर रखा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। इसको हल करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इतिहास का स्रोत माना जाता है? तो चार विकल्प है, इसका जो सही विकल्प होगा मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र को या सिक्कों के अध्ययन को इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? यमुना, रावी, गंगा, सरस्वती। तो ऋग्वेद में जो है इन सभी नदियों का उल्लेख है, गंगा का भी, यमुना का भी और रावी का और सरस्वती का भी उल्लेख है। चलिए अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को कहा जाता था? तो इसका जो सही विकल्प होगा पुरंदर। तो ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र जो थे वो युद्ध के नेता और या वर्षा के देवता के रूप में इन्हें जाना जाता था, इन्हें पुरंदर कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में शामिल नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या आयुर्वेद। तो इसका जो सही विकल्प होगा आयुर्वेद। आयुर्वेद चारों वेद में शामिल नहीं है, बल्कि यजुर्वेद यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा कालक्रम यथा कालक्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ABC, अर्थात पहले इल्तुतमिश आया था 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, उसके बाद रजिया बेगम 1236 से 1240, इसके बाद बलवन का कालकाल देखें तो 1266 से 1286 का बलवन का काल था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। तो इसका जो सही विकल्प होगा 1952, देश में पहला आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या किसने कहा था? तो आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसको कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर था, और 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण इनको अंग्रेज़ों ने निर्वासित कर दिया था और रंगून भेज दिया था, और वहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अंग्रेज़ों ने मुगलों के अंतिम बादशाह को भारत से निष्कासित करके कहाँ भेजा था? तो इसका जो सही विकल्प होगा रंगून। तो अंग्रेज़ों ने भारत में से मुगलों को निष्कासित करके रंगून भेज दिया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा असहयोग आंदोलन को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर ये कांड हुआ था, जिसमें क्रोध में आकर जनता ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई सिपाही की मृत्यु हो गई थी। तो इससे आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार हुए थे? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार चुने गए थे 1924 में बेलगाम कर्नाटक के अधिवेशन में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने भाग लिया था।
आगे देखते हैं। 23 मार्च को किस क्रांतिकारी का शहादत दिवस है? तो इसका जो सही विकल्प होगा भगत सिंह। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या में फांसी की सजा हुई थी और 23 मार्च 1931 को इनको लाहौर में फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च को किस क्रांतिकारी की शहादत दिवस है? तो भगत सिंह का है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। महाराष्ट्र में गणपत पर्व तथा शिवाजी उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में गणपत पर्व और शिवाजी उत्सव का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया था इनके द्वारा, तो उसी में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गायत्री मंत्र एक अंग है, तो गायत्री मंत्र जो अंग है वो ऋग्वेद का है, ऑप्शन ए इसका सही है। तो गायत्री मंत्र सविता अर्थात सूर्य देवता को संबोधित किया गया है और ऋग्वेद में इसका वर्णन आया हुआ है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था, जिसमें 13 इसका जो डेट है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें डॉक्टर किचलू और सतपाल की रिहाई के लिए और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ये सभा बुलाई गई थी। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता का नाम क्या है? तो हड़प्पा की सभ्यता का जो नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी सही है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को ज्ञात नहीं था? तो इसका जो सही विकल्प होगा जीराफ। जीराफ का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता वालों को नहीं था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। इनका एक नाम और था चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक, इसी प्रश्न को दोहराया गया है, तो कौटिल्य जी थे अर्थशास्त्र के लेखक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सांची प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन डी भगवान बुद्ध के स्तूपों के लिए सांची प्रसिद्ध है। और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची में प्रमुख बड़े स्तूपों की संख्या 3 है और यह 3rd शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहित किया था? तो इसकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया था, मूर्ति पूजा को भी का विरोध किया था और धर्मांतरण का भी विरोध किया था। तो इसमें सभी विकल्प सही होंगे, ऑप्शन डी। 27 देखते हैं। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा 1940। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। खानवा के युद्ध में कौन परास्त हुआ था? तो खानवा के युद्ध में जो था बाबर और मेवाड़ राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुआ है देवनागरी लिपि। तो अशोक के जो शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और इसको सबसे पहले पढ़ने का जो श्रेय मिला है 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिला है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो हैं, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा पुर्तगाली। व्यापार के लिए 1498 वास्को डिगामा कालीकट के स्थान पे पहुंचा था और
ये पहला वास्को डिगामा व्यक्ति था जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। हैदर अली की जब मृत्यु हो गई थी, उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान संभाल कर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। अगला देखते हैं 32, 33, भारत में सर्वप्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? इसका जो सही विकल्प होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और अरबों ने सबसे पहले सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी, 712 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, सांची प्रसिद्ध है क्योंकि? तो इसका स्थान, इस स्थान पर जो है प्रसिद्ध स्तूप है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? इस स्थान पर प्रसिद्ध स्तूप है इसलिए सांची प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हल करते हैं 37, मयूर सिंहासन किसके द्वारा लूटा गया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा नादिर शाह, मयूर सिंहासन नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था। आगरा के किले में शाहजहाँ ने 1627 में इसे बनवाया था, दीवाने आम में इसको रखा गया था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तो यह इसे उठा ले गया था अपने यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था या किसने किया था, के संस्थापक पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा सलीमुल्ला खान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री इन चारों में से कोई भी नहीं है, आप कमेंट बॉक्स पर वित्त मंत्री कौन है भारत के इसको ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फोर्थ स्टेट संबंधित है अर्थात चौथा स्तंभ किससे संबंधित है? तो प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AU Hume ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही है। और कब किया था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था, करो या मरो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो अगस्त के महीने में शुरू किया गया था, 8 अगस्त को। ठीक, इसका जो विकल्प होगा सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन से संबंधित यहाँ पर कबीरदास जी हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बारदौली आंदोलन संबंधित है? तो बारदौली आंदोलन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। बारदौली महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी और बारदौली आंदोलन भू राजस्व दर संबंधी अंग्रेज प्रशासन की कमियों को उजागर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था और यहीं पर यहाँ के महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को। तो ये 50 प्रश्न पूरे हुए,
आपको ये प्रश्न श्रृंखला कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह से अगले प्रश्न श्रृंखला के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।